कि अगर आपके पास ये एक क्लोज्ड बॉडी है, ठीक है, ये आपके पास एक क्लोज्ड बॉडी है और ये न्यूट्रल है, 1 रुपए का सिक्का न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है और माइनस चार्ज है, एक चार्ज बाहर पड़ा हुआ है बॉडी के, क्लोज बॉडी के बाहर है, चार्जेस सारे गिवन है आपको, आपको क्या करना है, आपको इसका पूरी बॉडी का, क्लोज बॉडी का फ्लक्स निकालना है। जो फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज इनसाइड अ क्लोज बॉडी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल चार्ज इनसाइड अ क्लोज बॉडी में ये आएगा, ये आएगा, ये भी आएगा, पर ये नहीं आएगा क्योंकि क्लोज बॉडी के बाहर चला गया, तो ये नहीं आएगा। अब जब टोटल फ्लक्स निकलेगा तो Q1 आएगा, माइनस Q2 आएगा, माइनस Q3 आएगा, यहां पर ओनली मैग्नीट्यूड नहीं आएगा। क्यों? सोचो, अगर क्लोज बॉडी के अंदर एक क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, तो नेट फ्लक्स क्या होगा? जीरो, क्योंकि क्यू और माइनस क्यू आपस में क्या कर जाएंगे? कैंसिल। क्लियर है यहां तक? तो आपने नेगेटिव चार्ज अगर है तो साथ में नेगेटिव चार्ज को कंसिडर करना है। तो ये टोटल चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर आएगा आपके पास। तो मेथड क्लियर है यहां तक? तो पॉजिटिव नेगेटिव सारे चार्जेस आपको कंसिडर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक स्फेयर है S1 और दूसरा स्फेयर है S2 और इस स्फेयर के अंदर चार्ज है Q और यहां पर चार्ज कितना है? 2Q। ठीक है, आपको क्या करना है इसमें? आपको इसके अंदर रेशियो निकालनी है किसकी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। तो दो स्फेयर्स हैं, एक S1 है और एक S2 है। S1 एक क्लोज बॉडी है, क्लोज बॉडी का फ्लक्स क्या होता है? क्लोज बॉडी के अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो S1 के अंदर का चार्ज बोलो कितना है? कैपिटल Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और S2 का फ्लक्स क्या होगा? S2 के अंदर का चार्ज। अब S2 के अंदर का चार्ज में दोनों चार्ज आएंगे क्योंकि S2 के अंदर Q2 भी है, S2 के अंदर Q1 भी है। तो टोटल चार्ज क्या आएगा? Q1 प्लस Q2 मींस 2Q प्लस Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका पहली बॉडी का फ्लक्स आया, सेकेंड स्फीयर का फ्लक्स आया, दोनों की रेशियो आ गई, डन। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आपने? ठीक है यहां तक? अब जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर कॉन्टिन्यूड है क्वेश्चन, हाउ विल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 चेंज? S1 का फ्लक्स था क्या? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कह रहे बताओ नया फ्लक्स इसका क्या होगा अगर मैं इस स्फीयर के अंदर एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डाल दूं जिसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू k है। ठीक है यहां तक? अब सबसे पहले एक पॉइंट बताओ कि जो फ्लक्स था इसका अंदर के स्फीयर का वो क्या था? q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया यहां तक? अब प्रॉब्लम ये है कि आपने इस q के अंदर क्या डाल दिया? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया। अब वो वैक्यूम नहीं रहा, अब वो एक मीडियम बन गया, और अगर वो मीडियम बन गया तो क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन m हो जाएगा क्योंकि नॉट नहीं रहेगा, अब m हो जाएगा क्योंकि इट इज एक्टिंग लाइक अ मीडियम। अब k डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या किया था फर्स्ट लेक्चर में? एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन m क्या होगा? k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। यहां पुट कर देंगे, पुट करके आंसर आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बीच में डाल दिया तो आपका आंसर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, क्यू बाई के इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये स्टेप सबको क्लियर है। अब इसी की और एक्सटेंशन है कि बताओ अगर ये स्फीयर S1 और S2 है, मैंने एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें डाल दिया बाहर, अंदर से हटा के बाहर डाल दिया, अब बताओ S1 का फ्लक्स क्या होगा? S1 के अंदर का चार्ज कितना है? क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें मीडियम का आपको रोल नहीं है क्योंकि S1 के चार्ज बाहर चला गया, अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे इसके आंसर देने हैं? बस आपने अंदर का चार्ज देखना है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कर देना है। ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया था, इस क्वेश्चन का मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार जरा देखें क्या है क्वेश्चन और उसके बाद इसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन पढ़े एक बार प्लीज।
ई वेक्टर 200 आई कैप है जब एक्स ग्रेटर देन जीरो है, और ई वेक्टर -200 आई कैप है अगर एक्स लेस देन जीरो है। और क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक सिलेंडर है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर और लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और सेंटर ओरिजिन पे है। ये ओरिजिन सेंटर पे है, ओरिजिन का मतलब ये वाई और एक्स एक्सिस है, तो 0,0 है। तो इधर के डिस्टेंस एक्स के पॉजिटिव है और इधर के डिस्टेंस एक्स के नेगेटिव है, ठीक है। ओरिजिन के राइट पॉजिटिव है और लेफ्ट नेगेटिव है, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव है, एक्स लेस देन जीरो नेगेटिव है। क्लियर है यहां तक? तो अब वो कह रहे हैं अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो यानी कि इस पॉइंट से राइट की तरफ की बात कर रहा है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 200 आई कैप है। आई कैप का मतलब टूवर्ड्स राइट है, राइट की तरफ है। और अगर एक्स लेस देन जीरो है यानी कि नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड -200 आई कैप है यानी कि इस तरफ है, माइनस आई कैप इधर होगा। तो यानी कि ओरिजिन के पास इलेक्ट्रिक फील्ड आधा राइट है और आधा लेफ्ट है। ठीक हो गया यहां तक? क्या करना है? व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट सरफेस या फ्लैट फेस? देखो एक फ्लैट फेस ये रहा, फ्लैट है सर्कल, इधर से सर्कल फ्लैट है, बीच में कर्व्ड है, तो उसने सिर्फ फ्लैट फ्लैट का पूछा। अगर वो कर्व्ड का पूछता तो आंसर क्या आता? जीरो क्यों आता? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर है या इधर है, और कर्व्ड में एरिया वेक्टर कैसे होगा? 90 डिग्री पे, इधर लो या इधर लो, परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे है, तो एरिया वेक्टर और ई में एंगल क्या बनेगा? 90। एरिया वेक्टर और ई में एंगल क्या बनेगा? 90। तो कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स क्या आएगा? जीरो। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, उसे पूछा ही नहीं। चलो इसका कैलकुलेट करें। इसका एरिया वेक्टर कैसे बनेगा? इस तरफ, कोई मुझे बताएगा एरिया वेक्टर राइट क्यों नहीं है? क्योंकि एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर टू सरफेस है, राइट भी हो सकता है और इनवर्ड भी हो सकता है। आउटवर्ड एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ जाता है, अंदर बॉडी के अंदर नहीं आता, बाहर जाता है। तो एरिया वेक्टर इसका बाहर जाएगा, इसका एरिया वेक्टर राइट जाएगा, तो इसका राइट जाएगा, इसका लेफ्ट जाएगा। यहां पे ई वेक्टर लेफ्ट है, यहां पे ई वेक्टर राइट है, यहां ई और डीएस में एंगल क्या है? जीरो। यहां ई और डीएस में एंगल क्या है? जीरो। ना ना 180 क्यों है? दोनों वेक्टर इधर तो जा रहे हैं, जीरो। ई और डीएस में एंगल जीरो, ई और डीएस में एंगल जीरो, कोई डाउट इसमें? तो टोटल फ्लक्स क्या होगा इसका? ई इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ जीरो। तो लेफ्ट साइड का ई एरिया कॉस जीरो। ई आपको गिवन है 200, आप कहेंगे -200 आई कैप पुट करो। देखो आई कैप नहीं, मैग्नीट्यूड पुट करो, तो मैग्नीट्यूड तो उसका 200 ही है, और एरिया पाई आर स्क्वायर से आप कैलकुलेट कर लोगे, कॉस जीरो वन है। राइट साइड का आंसर भी एग्जैक्टली क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि इसमें भी एंगल क्या एग्जैक्टली? जीरो, और ई की वैल्यू इसके अंदर भी 200 है। तो ये तो पहला तरीका है। पॉइंट समझ में आया यहां तक? EDS cos 0, EDS cos 0, लेफ्ट का और राइट का फ्लक्स कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट, इसको करने का एक और तरीका है जो किताबें यूज करती हैं, वो तरीका बिल्कुल सही लगता है मेरे को। EDS cos 0, EDS cos 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक्स ऐसे करती हैं वेक्टर फॉर्म में, वो क्या कहती हैं? लेफ्ट साइड का जो फ्लक्स है वो ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर है, ई डॉट डीएस, डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगी। लेफ्ट साइड पे ई वेक्टर कितना है? -200 आई कैप, -200 आई कैप गिवन है, और एरिया वेक्टर क्या है? पाई आर स्क्वायर इनटू माइनस आई कैप, क्योंकि एरिया वेक्टर भी कहां है? टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो दोनों लेफ्ट लेफ्ट है, दोनों आई कैप है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आई डॉट आई क्या होता है? 1, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, मल्टीप्लाई करके आंसर सेम आएगा। ऐसे अगर इसमें अगर वेक्टर फॉर्म करना है तो ई वेक्टर कितना है? 200 आई कैप राइट, और एरिया वेक्टर क्या है? पाई आर स्क्वायर आई कैप राइट, आई डॉट आई 1 आंसर। तो आप ये करें या वो करें, आपकी मर्जी। वैसे मेरे को ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने मेथड 1 अपने तरीके से किया है, उसमें वेक्टर का चक्कर नहीं है, सीधा ई डी एस कॉस 0 आंसर। ठीक, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। इसी प्रॉब्लम के अंदर वो कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया का फ्लक्स क्या होगा? कर्व्ड का फ्लक्स क्या होगा? 0। इसी क्वेश्चन में फाइंड चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। अब आपको इसमें फ्लैट सरफेस के फ्लक्स की वैल्यू पता लग चुकी है, लेफ्ट की भी और राइट की भी, कर्व्ड की 0 है, तो टोटल क्लोज बॉडी सिलेंडर का टोटल फ्लक्स क्या आएगा? लेफ्ट और राइट के फ्लक्स का सम आएगा। ठीक है, ऐड कर दिया, टोटल फ्लक्स आ गया। अब इस पूरे सिलेंडर का फ्लक्स आ गया, और फ्लक्स होता क्या? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपको फ्लक्स पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है,
क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा, चार्ज आ जाएगा। ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट हमने ये क्यूब वाला क्वेश्चन कर लिया था, लास्ट टाइम डिस्कस किया था क्यूब वाला। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है, अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी। तो ये रहा पॉइंट पी, यहां पर मैंने कौन सा चार्ज रख दिया, पॉजिटिव। फॉर क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस कौन सी है, ये क्लोज सरफेस है, डॉट 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 डॉट, क्लोज सरफेस है। ये क्लोज सरफेस इमेजिनरी सर्कल है कोई, या स्फीयर है, ऐसा बोल लो, इमेजिनरी स्फीयर है, सर्कल तो नहीं बोलेंगे, स्फीयर, 3D चाहिए, इमेजिनरी स्फीयर है, एक्चुअल स्फीयर नहीं है। तो क्वेश्चन है कि इस इमेजिनरी स्फीयर का फ्लक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब रूल नंबर वन, कि अगर मैं ये बोलता हूं कि यहां पर चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो बाय इंडक्शन इस हिस्से पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और इस हिस्से पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक हो गया। अब अगर ये क्लोज बॉडी है, इस क्लोज बॉडी का अगर मुझे फ्लक्स निकालना है, तो इसके अंदर, सिर्फ इसके अंदर बताओ कौन सा चार्ज है, ये वाला चार्ज आ रहा है कॉमन, ये वाला, ये चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो फ्लक्स भी पॉजिटिव है। ठीक है यहां तक। और अगर सपोज करो ये चार्ज क्या होता, नेगेटिव, तो ये क्या होता, पॉजिटिव, और ये क्या होता, नेगेटिव, तो क्लोज बॉडी का फ्लक्स क्या आता, नेगेटिव। कोई डाउट इसमें? ठीक, तो इसका आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर की एक्सप्लेनेशन आप मुझे दो, पढ़ो और क्या इसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है, एक बार ट्राई करो। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपको यह गिवन है कि अगर Q इज प्लेस्ड, ठीक है, अगर Q को प्लेस किया गया कहां पर, एट द सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर, सेकेंड चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द पोजीशंस ABCD। अब मुझे यह बताओ कि बाकी ABCD छोड़ो, अगर Q चार्ज सेंटर पे पड़ा हुआ है, तो इसका फ्लक्स क्या होगा इस हेमिस्फीयर का, Q by 2 epsilon naught, बिल्कुल सही है, सही बोल रहे हो। हमने किया था क्योंकि नीचे तो खुला हुआ है, तो हेमिस्फीयर के नीचे हेमिस्फीयर रखेंगे तो आधा करना पड़ता है, याद है लास्ट टाइम की स्विट्री बनानी पड़ती है, क्लियर है यहाँ तक। तो इसका फ्लक्स मुझे पता है Q/2 epsilon naught है। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर ये फ्लक्स Q/2 epsilon naught है, तो मैं कैपिटल Q को कहाँ रखूँ, A पे, B पे, C पे या D पे, ताकि इसके फ्लक्स में कोई चेंज ना आए, जो भी फ्लक्स है वैसे का वैसा रहे। अब अगर मैं कैपिटल क्यू को इस पॉइंट पे रखता हूं बी पे, तो ये लाइंस हर तरफ एमिट करेगा, उनमें से कुछ लाइंस यहां भी जाएंगी, कुछ लाइंस ऐसी भी जाएंगी। जो लाइन यहां से यहां जा रही है वो फ्लक्स इसमें इनवर्ड भी है और आउटवर्ड भी है, तो नेट फ्लक्स ये हुआ इस लाइन का। तो जो लाइन दो बार कट कर रही है सरफेस पे,
तो उसका तो फ्लक्स जीरो हो गया, एंट्री और एग्जिट खत्म। लेकिन जो लाइन ये जा रही है, क्योंकि ओपन सरफेस है, वो एक बार तो कट कर रही है, दूसरी बार कट नहीं कर रही, तो इसका फ्लक्स कॉन्ट्रीब्यूट होगा, तो इसलिए ये इसके फ्लक्स को खराब कर देगा, चेंज करेगा। सेम आंसर इसके साथ भी सेम सिचुएशन है, क्योंकि जो लाइन दो बार कट कर रही है फ्लक्स में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, जो एक बार कर रही है वो फ्लक्स में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन अगर मैं कोई चार्ज यहां रखूं कैपिटल क्यू, वो सीधा जाएगा, इसको टच करता हुआ ऐसे जाएगा, तो वो दो बार इसको टच करता हुआ जा रहा है तो फ्लक्स में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। और कोई लाइन अगर ऐसे जाएगी वो भी दो बार ही कट करती हुई जाएगी, तो इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लक्स दोनों इसमें नेट जीरो हो गया। तो चाहे चार्ज यहां रख लो, उसकी भी सेम सिचुएशन है, दो बार कट करती हुई जाएगी। तो यानी कि दो पोजीशंस हैं, एक सी और एक ए, जहां पर जो पहले का फ्लक्स है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कहीं और रखोगे तो चेंज आएगा। ठीक है यहां तक? तो ये इसका आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट भी है, और ऑब्जेक्टिव के अंदर ये आती ही आती है और लोग इसको गलत कराते हैं। क्या क्वेश्चन है? इस स्टेटमेंट को अगर ना पढ़ें, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर ये तीन चार्जेस हैं, अगर ये तीन चार्जेस हैं और मैं इसका फ्लक्स निकालना चाहता हूं, तो फ्लक्स की कैलकुलेशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज होगा वो इन दोनों की वजह से होगा या इन तीनों की वजह से होगा? मैं फ्लक्स निकालना चाहता हूं बाय गॉस थ्योरम ऑब्वियसली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों चार्जेस की वजह से होगा या दोनों चार्जेस की वजह से होगा? ये क्वेश्चन है। दो चार्ज, क्योंकि फ्लक्स के अंदर फाइनली क्या होता है, इनसाइड देखते हैं, ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि तीनों? ठीक है, कितने लोग बोलते हैं तीनों चार्जेस आंसर है? कितने बोलते हैं दो चार्जेस आंसर है? सुनने में दो चार्ज लगते हैं, आंसर तीन चार्ज है। आपको तीन चार्ज है कैसे? दो टाइप, दो क्वेश्चंस आएंगे। स्टेटमेंट ध्यान से सुनना। पहली स्टेटमेंट, अगर मैं इस क्लोज बॉडी का फ्लक्स निकालूं, उस फ्लक्स के अंदर कौन से दो चार्ज कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? क्यू वन और माइनस क्यू वन, आंसर इज जीरो, खत्म। मैंने क्या स्टेटमेंट दी कि मैं क्या कैलकुलेट करना चाहता हूं? फ्लक्स। मैंने फील्ड का नाम तक भी नहीं लिया। अब दूसरी स्टेटमेंट, इन कैलकुलेटिंग फ्लक्स, अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहता हूं तो उसमें मैं ई डॉट डी एस यूज करना चाहता हूं, मैं गॉस थ्योरम यूज नहीं करना चाहता, मैं यूज करना चाहता हूं ई डॉट डी एस, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज होगा उसमें कितने चार्जेस का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा? अब सोचो, अगर मैं ई डॉट डी एस करूं तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी निकालना पड़ेगा, ई डॉट डी एस मुझे यहां भी निकालना पड़ेगा, मुझे यहां भी निकालना पड़ेगा, यहां भी निकालना पड़ेगा, हर पॉइंट पर ई डॉट डी एस की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। यहां पर जो ई में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा वो कौन करेगा? जहां ई निकालना है वहां चार्ज प्लस वन, ऐसे करते हैं। कौन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा? तीनों चार्जेस करेंगे, क्योंकि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल किया था हमने। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि अगर प्लस वन चार्ज, यहां पर ई निकालना है वहां चार्ज प्लस वन है, तो उस प्लस वन पे कोई क्लोज बॉडी का चक्कर ही नहीं था, हमने सेकंड चैप्टर किया इलेक्ट्रिक फील्ड का, तीनों के तीनों चार्जेस उसके ऊपर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो फिर आप कहेंगे सर फिर गॉस थ्योरम में एक चार्ज कहां गया, फिर तीन होने चाहिए थे। एक्चुअल में ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो गॉस ने ये सारा काम किया और उसने इन द एंड देखा कि जब मैं ई डॉट डी एस से भी कैलकुलेट करता हूं तो इस चार्ज का ई कॉन्ट्रीब्यूट करता तो था, लेकिन इनके वैक्टर सब में एडजस्ट हो जाता है और अल्टीमेटली सिर्फ दो चार्जेस आ जाते हैं। ये शॉर्टकट है, क्योंकि ये गॉस थ्योरम ने क्या बनाया, शॉर्टकट बनाया। लेकिन अगर आप ई डॉट डी एस यूज करें, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों चार्ज का कॉन्ट्रीब्यूशन लिया जाता है। हम वो मेथड फॉलो नहीं करते क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। कैसे करोगे, हर पॉइंट पर ई कैसे निकालोगे? पर क्योंकि अगर ई निकालोगे तो तीन चार्जेस की वजह से ही निकालोगे। समझ में आ रहा है यहां तक? तो आपने क्या आंसर मार्क करना है? इन कैलकुलेटिंग फ्लक्स, सिर्फ फ्लक्स नहीं देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू ऑल चार्जेस। ठीक है यहां तक? इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, गलती हो जाती है इसमें,